नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए पढ़ते हैं आज कविता पाठ। कविता का नाम है नदी कंधे पर। प्रस्तुत कविता के कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ। धर्मपुरा दमोह में हुआ, यह मध्य प्रदेश में है। इनकी रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। प्रभुदयाल श्रीवास्तव 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। मतलब कि यह कविता कल्पना पर आधारित है और कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद होता। चलिए अब हम पहले कविता गाते हैं, तो तुम सुनो और फिर एकल में गाओ, और जब स्कूल शुरू हो जाए तब समूह में गाओ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते, जाकर उसे वहीं रख आते, जाकर उसे वहीं रख आते। तो अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, यदि हमारा बस चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते, हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। आगे क्या है, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, हम कभी नदी में देर तक तैरते तो कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते गाने गाते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते, और शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, मतलब जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते,
लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। और अपने कंधे पर नदी को रखकर उसे हम जहाँ से ले आए थे वहाँ ले जाकर रख आते। अच्छा बच्चों, अभी सवालों के जवाब देना, एक एक वाक्य में उत्तर दो। कवि की क्या कल्पना है? हाँ, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। कवि नदी को कहाँ बहाते? हाँ, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। बहुत अच्छे। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाबाश। शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। अब समानार्थी शब्द बताओ। नदी सरिता, मित्र दोस्त, श्याम संध्या, भद्र सज्जन, रोज प्रतिदिन, घर गृह। बहुत अच्छे। वह नदी की आत्मकथा सुनाओ। हाँ, कहाँ से आई हो, कहाँ कहाँ जाती है, जैसे मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वतों में बीता, दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में खींच ले आया, फिर यहाँ आकर मेरी गति धीमी हो गई, धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे, लोग मेरा जल पीने, नहाने धोने, खाना बनाने और खेतों की सिंचाई के काम करने में लाने लगे। समय के साथ गांव-गांव और नगरों में अनेक परिवर्तन हुए। मेरे ऊपर कई जगह पुल बनाए गए, बांध बांधकर नहरें निकाली गई, परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई, अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। मैं नदी हूँ।